कैसे हैं आप लोग गाइस। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ इस कीबोर्ड के बारे में बताने वाला हूं। मैं इस कीबोर्ड को 2 वीक से यूज कर रहा हूं, तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो गाइस, मैं बहुत दिनों से मतलब कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है, पहले मैं वायर वाला कीबोर्ड यूज करता था, तो वायर को कनेक्ट करके इसमें मतलब पोर्ट से काम करता था। और आपको पता ही है कि लैपटॉप का कीबोर्ड ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए बेसिकली जब आप टाइपिंग करते हो। तो ये देखो, ये है वायरलेस मिनी कीबोर्ड और माउस भी इसी के साथ आता है कॉम्बो पैक में। तो बेसिकली इसका लुक देख रहे होगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होगा। तो इसमें 2 वेरिएंट आता है, एक तो आपका हो गया ये रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, एक और आता है जो आपका रहता है स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इस कीबोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 वीक से, इसके बाद ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका। कि मैंने सोचा कि पहले देख लेता हूँ कि यह कीबोर्ड कैसे मतलब सही है या नहीं, क्योंकि बेसिकली ये चाइना का प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेड इन चाइना। तो बेसिकली ये कीबोर्ड जो है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये माउस भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें एक जो ये देख रहे होगे, तो इसका जो साउंड का लेवल भी है वो मतलब बेहद ही कम है, नॉइस फ्री है, तो और काम भी अच्छा करता है। और इस कीबोर्ड का जो साइज है ना, देखो बहुत ही आपको दिखेगा कितना छोटा है, मिनी कीबोर्ड है, तो ये साइज देख रहे होगे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि आराम से आप इसको कहीं भी ले जाके टाइप कर सकते हो। और ये जो कनेक्ट होता है इसमें, देखो एक सेल तो इसमें लगता है बैटरी, एक इसमें देना होता है, और एक कीबोर्ड में आपका यहाँ पे बैटरी लगता है। उसके बाद ये जो कनेक्ट होता है, तो उस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डोंगल दिया गया है, इस डोंगल से दोनों माउस और कीबोर्ड इस लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप जब टाइप करोगे तो काफ़ी स्मूथली यह चलता है। तो इस तरह का कीबोर्ड का आपका प्राइस कुछ है, मुझे तो ये पड़ा था 1,050 रुपये में, मुझे ये मिल गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि जितने भी मैंने कीबोर्ड देखे, मैंने बहुत सारे कीबोर्ड देखे, उसके बाद मैंने इसे परचेज किया, और यह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। तो आप लोग भी इसे बाय कर सकते हो अगर आपको ज़्यादातर टाइपिंग वगैरह का काम ज़्यादा करते हो तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक मैंने दे रखा है।